पन्ना जिले में भाजपा विधायक प्रहलाद सिंह लोधी ने ग्राम पंचायत में लोगों से मुलाकात कर सभी लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। कुछ दिन पहले ही तहसीलदार उमेश तिवारी ने अतिक्रमण हटाए थे। ग्रामवासियों ने भाजपा विधायक प्रहलाद सिंह लोधी से शिकायत करते हुए बताया कि गरीबों से जबरदस्ती मकान तोड़ा जा रहा है। विधायक ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और न हम अन्याय होने देंगे, इसके लिए हम कोई ठोस कदम उठाएंगे। इसी के साथ भाजपा विधायक प्रहलाद सिंह लोधी ने सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। सर, हाल ही में जो गरीबों के अतिक्रमण हटाए गए हैं, तो ये लीगल है अनलीगल, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपको? देखिए, जैसे ही हमें पता चला कि तहसीलदार द्वारा गरीबों के साथ बोरी में अन्याय किया जा रहा है, उसी के दौरान आज मैंने ये सब देखने के लिए औपचारिक दौरा किया। हालांकि कल ही मैंने कलेक्टर साहब से बात की है कि शाहनगर तहसीलदार द्वारा गरीबों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। नहर का काम चल रहा था जिसमें से उन्होंने जेसीबी उठा ली थी, कोई अपने दिन के आवास प्रधानमंत्री आवास बने तो वहीं जेसीबी चल रही थी पुराई के लिए। हितग्राही गए, उन्होंने कहा मेरा मकान पुराना था, आप थोड़ा सा भर दो, तो उसने वहीं से जेसीबी वाले लोगों के ट्रैक्टरों में मिट्टी भरना शुरू की। तहसीलदार द्वारा आकर के उनकी जेसीबी उठा ली, गरीबों के मकान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।